और सागपुर से जहां पर खिचड़ी खाने से दो बच्चों की मौत के मामले में जांच और मुआवजा न मिलने पर कांग्रेस ने चक्का जाम किया है। कांग्रेस ने मृतक बच्चियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। अब कांग्रेस भी समर्थन में उतर आई है। जानकारी की बात करते हैं, संवाददाता पवन सिंह से। पवन, क्या बताया जा रहा है? कांग्रेस ने समर्थन दिया है इस पूरे मामले को लेकर, अब सड़कों पर उतर आई है कि मुआवजा दिया जाना चाहिए मृतक बच्चियों के परिजनों को। जमशेद, मैं आपको यहाँ बता दूं, कांग्रेस ने 7 दिन पूर्व एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि जो पीड़ित परिवार है उनमें 50-50 हजार रुपए और जो मृतक बच्चियां हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए दी जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, जिस दुकान से खाद्यान्न खरीदा था उसको सील किया जाए। तो 7 दिन की चेतावनी के बाद ही प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद आज कांग्रेस ने धरना आंदोलन यहाँ पर किया। और धरना आंदोलन के दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आपने इन 7 दिनों में क्या कार्रवाई की है, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के चलते कांग्रेसी ने यहाँ पर चक्का जाम कर दिया और अपनी मांग मानने के लिए जोरदार नारेबाजी यहाँ पर की गई और पूरे अधिकारी यहाँ पर बल के साथ यहाँ मौजूद, उनको मनाने का कई प्रयास कर रहे थे। एडीएम का कहना है कि हमें शासन से मांग की जा रही है और मजिस्ट्रेट जाने के आदेश दे दिए गए हैं। जमशेद, शुक्रिया आपका पवन इस तमाम बातचीत के लिए। पवन सिंह चौहान हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और कांग्रेस ने इस बात को लेकर कहा था कि मुआवजे की घोषणा होनी चाहिए, जब मुआवजे की घोषणा नहीं हुई तो कांग्रेस ने आज चक्का जाम किया। साथ ही साथ अब इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।